next compound in antifungal agent. The next compound in the antifungal agents is tolnaptate. Tolnaptate is an ester of beta naphthol. जो टोलना हमारे पास टोलनाप्टेट है वो क्या है हमारा एस्टर ऑफ बीटा नेफ्थोल. बीटा नेफ्थोल में हमारे पास जो है एस्टर ग्रुप है. इसमें जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट वन है इट इज कलरलेस एंड इट इज व्हाइट क्रीम पाउडर. व्हाइट क्रीम पाउडर है. दूसरा ऑर्डरलेस है हमारे पास, या फिर इसकी जो है स्लाइट ऑर्डर. स्लाइट ऑर्डर का मीनिंग क्या है, जो हल्की हल्की सी ऑर्डर आए किसी भी कंपाउंड में से उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइट ऑर्डर. Freely soluble in chloroform. ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या, फर्स्ट पॉइंट है व्हाइट क्रीम व्हाइट पाउडर में अवेलेबल है हमारे पास, ऑर्डरलेस है या फिर स्लाइट ऑर्डर इसकी प्रेजेंट होगी. इन सोलबल इन वॉटर एंड फ्रीली सोलबल इन क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म में ये फ्रीली सोलबल है. यूजेस क्या है हमारे, फर्स्ट वन जो हमारा यूज है इट इज यूज्ड इन द रिंगवर्म स्किन इन्फेक्शन. किसी भी टाइप के जो रिंगवर्म्स है, रिंगवर्म इन फुट स्किन हेयर नेल्स, उनमें उनका हम उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं. सेकेंड वन है इसका हम लोग यूज करेंगे जो स्किन इन्फेक्शन है उनके ट्रीटमेंट में. इन्फेक्शन है उनके ट्रीटमेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट इसका हम लोग यूज करते हैं कैंडिडाइसिस का जो इन्फेक्शन है म्यूकस मेम्ब्रेन्स में भी हम लोग यूज कर सकते हैं टोलनाप्टेट का. नेक्स्ट है हमारे पास जो कंपाउंड है लिस्टिन. नेक्स्ट हमारे पास जो
कंपाउंड है वो है निस्टेट। निस्टेटिंग में क्या है, हमारे पास की जो जो टर्न ऑफ डेट है उसकी स्टोरेज क्या है, स्टोर हम लोग उसको एयर टाइट जो कंटेनर्स में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट निस्टेटिंग है, निस्टेटिंग में हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज है फर्स्ट वन जो हमारे पास है जो निस्टेटिंग है वो येलो या फिर लाइट जो ब्राउन कलर का हमारे पास पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होगा, येलो या फिर जो हमारे पास लाइट ब्राउन पाउडर में हमारे पास जो ड्रग है वो प्रेजेंट होगी। इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर इसका होगी सीरियल ऑर्डर। सीरियल ऑर्डर जैसे किसी हमारे जो अनाज होते हैं जो कनक गेहूं जो भी हमारे पास अनाज होते हैं उनकी जैसी ऑर्डर आती है वैसे ही निस्टेटिन की ऑर्डर होगी सीरियल ऑर्डर। इट इज हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। ये हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर है इसलिए जो हम लोग इसकी स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज किसमें करेंगे हम लोग एयर टाइट कंटेनर्स में और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में, जहां पर हमारे पास जो इसको हम लोग स्टोरेज करेंगे कूल डार्क प्लेस में ड्राई रूम टेम्परेचर पे। इसको हम लोग टाइटली क्लोज कंटेनर्स में स्टोर करेंगे क्योंकि इसमें जो एयर में से ये मॉइस्चर गेन कर लेता है और ये जो जब मॉइस्चर गेन कर लेगा तो हमारा जो कंपाउंड है वो डिटेरियोरेट हो जाता है। नेक्स्ट है जो हमारा कंपाउंड है निस्टेटिन, ये हमारे पास जो स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर में एंड अल्कोहल में। स्लाइटली सोल्यूबल है। नेक्स्ट है इसका हम लोग यूज किस में करते हैं, यूज हम लोग करते हैं कैंडिडाइसिस में, स्किन में, स्किन इन्फेक्शन में, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो इन्फेक्शन है उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसका हम लोग यूज करेंगे कैंडिडाइसिस माउथ स्किन इंटेस्टाइनल एंड मेजाइना के ट्रीटमेंट। स्किन एंड मेजाइना।
सरफेस मेम्ब्रेन में, माउथ में हमारे पास जो इन्फेक्शन हो जाती है उसमें, जिसको हम थ्रश और बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं इसका। सेकंड हम लोग यूज़ करते हैं इंटेस्टाइनल में, वेजाइना में और स्किन में। अगर कोई भी कैंडिडा जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कोई इन्फेक्शन हुई है उसके ट्रीटमेंट में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। स्टोरेज सेम है टाइटली क्लोज कंटेनर्स में और एयर टाइट कंटेनर्स में, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक है इन नेचर। इसमें भी हमारे पास जो है कंपाउंड्स हैं लोशन की फॉर्म में, क्रीम्स में, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शंस की फॉर्म में हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो है एम्फोटेरिसिन बी। नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो है एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसकी जो है एम्फोटेरिसिन बी है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। येलो ऑरेंज कलर का पाउडर हमारे पास अवेलेबल होगा। येलो ऑरेंज है हमारा ये कंपाउंड। थर्ड वन है जो हमारे इस कंपाउंड में जो टेस्टलेस है, ये इनसोल्युबल इन वाटर है एंड सोल्युबल है हमारा ये प्रोपाइलीन ग्लाइकोल में। एम्फोटेरिसिन है इसके जो यूजेस है, इसको हम लोग यूज करते हैं ब्लैक फीवर में, जिसको हम लोग बोल देते हैं काला आजार। सेकेंड इसके हम लोग जो यूज़ करते हैं, सेकेंड इसका यूज है हमारा जो प्राइमरी हमारी इन्फेक्शंस है, प्रोटोजोआ से जो इन्फेक्शन हो जाती है उसके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करेंगे। जब प्राइमरी जो एमोबिएसिस हो जाती है हमारी बॉडी में उसके ट्रीटमेंट में, उसके भी ट्रीटमेंट में हम लोग एम्फोटेरिसिन जो ड्रग है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है हेमाइसिन। ये हमारी जो कंपाउंड इस चैप्टर की लास्ट ड्रग है,
क्या है? जो हमें से नेक्स्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये येलो पाउडर होगा, येलो पाउडर के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। सेकंड है इनसोल्युबल इन वाटर एंड सोल्युबल इन पाइरिडीन। सोल्युबल इन पाइरिडीन एंड इनसोल्युबल इन वाटर। जो इसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है हाइमाइसिन की, अगर हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसके मिक्सचर को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो ब्लू कलर अपेयर होगा, ब्लू कलर हमारे पास प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है इसके यूज। इट इज यूज्ड इन द टॉपिकली, टॉपिकली हम लोग जो फंगस है फंगल इन्फेक्शन उसमें यूज करते हैं, टॉपिकली ओरली फंगल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करेंगे। टॉपिकली या फिर ओरली हम लोग जो फंगल इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में किसी भी एनी टाइप का उसके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं हेमिसिन। ये हमारा जो चैप्टर एंटीफंगल एक्टिविटीज ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग क्वेश्चन आते हैं इसमें वो इस पर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंटीफंगल एजेंट्स। पूरे कंप्लीट चैप्टर पे जो है वो क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू।